हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एक चर वाले द्विघात समीकरण का परीक्षण करें 1.3 का 5 नंबर का सवाल लेकर आए। क्वेश्चन में है, अमिता की आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है और उसकी परिसीमा 180, उसकी परिसीमा दिया है 180 मीटर। तो अमिता के आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार जमीन है, ठीक है, एक आयताकार जमीन है। मान लिया जाए ये आयताकार जमीन है। अब इस आयताकार जमीन का जो क्षेत्रफल है वो दिया 2000 वर्ग मीटर। ये इसके अंदर का जो एरिया है ये 2000 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और इसका जो परिसीमा दिया है वो 180 मीटर दिया है, ठीक है। तो आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लंबाई अथवा चौड़ाई दोनों में से कोई एक मान लेंगे तो फिर दूसरा निकल जाएगा। तो चलिए लंबाई को हम एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। माना आयताकार जमीन, आयताकार जमीन का लंबाई बराबर x मीटर, इसलिए जमीन का चौड़ाई बराबर, अच्छा जमीन का लंबाई दे दिया है और इसका चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो चौड़ाई हमें पता नहीं, जमीन का चौड़ाई बराबर व्हाट हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया 200 वर्ग मीटर, ठीक है। जब इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है तो हम यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जमीन का क्षेत्रफल बराबर 2000 वर्ग मीटर, ठीक। जमीन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 2000, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई के जगह पे x रख देंगे, तो x मल्टीप्लाइड चौड़ाई इज इक्वल टू 2000। या चौड़ाई अगर निकालना चाहेंगे तो आएगा 2000 डिवाइडेड बाय x मीटर। अब ये देखिए आपका चौड़ाई भी मिल गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, इसका परिसीमा दे दिया 180, ठीक। तो परिसीमा जब 180 दिया तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आयताकार जमीन का परिसीमा बराबर 180 मीटर ये दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आयताकार जमीन का परिसीमा होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, ये सूत्र आप पढ़े होंगे, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना 180, और 2 × लंबाई के जगह पे आप बैठा सकते हैं x, परंतु चौड़ाई के जगह पे आप बैठा सकते हैं 2000 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 180, यहाँ तक ठीक है। ये 2 चाहें तो आप काट सकते हैं, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं,
और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसमें। और एक्स स्क्वायर प्लस 2000 डिवाइडेड बाय एक्स, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 90 बाय 1 कर सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 2000 इज इक्वल टू 90x, यहाँ तक ठीक है, क्रॉस गुना। और एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। अब 2000 को 90 में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से तोड़ेंगे? तो 2000 को अगर 90 में तोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, 2000 को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए फैक्टराइज करते हैं, 2 से लगाते हैं 1000 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देते हैं तो 5000 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से ही लगा देते हैं 250, फिर 2 से लगा देते हैं 125, फिर 5 से लगा देते हैं 25, और फिर 5 से लगा देते हैं 5 आया। अब इसी में से क्या है, 90 लाना है हमको। तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम देखें तो 5 × 10 × 20 × 40, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए 40 होगा, ठीक है, और यहाँ से 25 अगुना 2 50 होगा, ठीक। तो क्या लिख लें बोलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 अब प्लस 40, ठीक है, 2000 इज इक्वल टू 0, ठीक, इसको तोड़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 40x अब प्लस 2000 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आगे बढ़ें थोड़ा सा, x कॉमन ले लें, x माइनस 50 माइनस 40 कॉमन ले लें, x माइनस 50 इजकल टू 0, और x माइनस 50 कॉमन एक बार और ले लेंगे, x माइनस 40 इजकल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों मान धनात्मक आ जाएगा, क्योंकि x माइनस 50 इजकल टू 0 इसलिए x इजकल टू 50, और दूसरा देखिए x माइनस 40 इजकल टू 0 इसलिए x इजकल टू 40 मीटर। अब यहाँ पर आपको चयन करना है कि इसमें से आप लंबाई माने हैं तो लंबाई हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए लंबाई को अगर हम 50 मानते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है ना, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चौड़ाई अगर निकालेंगे तो 2000 में क्या करेंगे, डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए अगर चौड़ाई निकालना होगा तो चौड़ाई बराबर 2000 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स का मतलब 50 अगर रखते हैं तो चौड़ाई निकल जाता है 40, ठीक, तो इसलिए हम दोनों को निकालेंगे, इसलिए आयताकार बगीचा का लंबाई बराबर 50 मीटर तथा चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या है, 2000 डिवाइडेड बाय एक्स, तो कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय एक्स यानी 50, 0 0 काट लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर, और यही दोनों क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल दूसरा क्या है। ये देखिए आपके सामने सवाल आ गया, इसके पहले हम लोग ये सवाल बना चुके हैं। अब आते हैं 6 नंबर, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ठीक
ठीक है, संख्या से उसके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, तो संख्या का इकाई का अंक क्या है? चलिए जो पूछा जाता है उसी को मान लें। माना कि 6 नंबर का बना रहे हैं, माना कि यहां देखिए दो अंकों की संख्या है, दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक बराबर x, ठीक है। अच्छा यहाँ बोला दो अंकों के संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, तो जब हम लोग इकाई मान लिए हैं तो दहाई कितना होगा, इसलिए दहाई बराबर x माइनस 3, 3 कम है इसलिए दहाई कितना होगा x माइनस 3। अब संख्या से उसके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, तो पहले संख्या तो प्राप्त करें, इसलिए संख्या बराबर यहाँ देखिए 10, अगर दहाई है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इकाई है तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे संख्या आपका बन गया है 10x माइनस 30, अब प्लस x इसको हम लिख सकते हैं 11x माइनस 30, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका संख्या, कितना हमारा संख्या यहाँ पे आ गया 11 संख्या आ गया, ये दोनों जोड़ते हैं 11x माइनस 30, ठीक। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, संख्या तो हमें मिल गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ देखिए कि संख्या से उसके गुणनफल को घटाने पर, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक संख्या से 3 कम है, संख्या से उनके गुणनफल, उनके गुणनफल मतलब इकाई और दहाई के गुणनफल, ठीक है, घटाने से 15 प्राप्त होता है, तो अब संख्या से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्या से यानी 11x माइनस 30 से क्या करें, इनके गुणनफल, इनके गुणनफल करने का मतलब यहाँ संख्या के अंकों का गुणनफल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 3, इनके अंकों के गुणनफल हो गया, अब इसको घटाने से तो घटा दिए हैं, इसमें मूल संख्या में क्या किए हैं, तो उनके गुणनफल को घटाने से कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, लिख दिए 15, ठीक, 15 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 11x माइनस 30 माइनस, इसको अंदर से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा इक्वल टू 15, अब और अगर बढ़ें तो 11x माइनस 30 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 15, ठीक, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं 14x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30 और माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक, ये दोनों को जोड़ दिए, ये देखिए ये और ये जोड़ दिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 45 हो जाएगा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से हमको क्या मिला, हमको मिला 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0, ऐसा क्यों होता है कि देखिए अगर बराबर के बाद शून्य हो
तो इधर जो चिन्ह है सबको हम चिन्ह चेंज कर सकते हैं, सबका चिन्ह बदल सकते हैं, ठीक है। तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जीरो में प्लस और माइनस से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस में कर लिए, प्लस में 14x है तो 14x को माइनस में कर लिए, ठीक है। और 45 जो माइनस में था उसको प्लस में कर लिए। अब 45 को 14 में तोड़ना है, ठीक है। तो 9 × 5, ठीक। और ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, 9 + 5 तो 14 आ जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 9 + 5, अब +45 = 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x - 5x + 45 = 0। कॉमन एक्स अगर ले लेते हैं तो x - 9 - 5 कॉमन लेते हैं तो x - 9 = 0। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा, x - 9 × x - 5 = 0। चूंकि x - 9 = 0 इसलिए x = 9, और दूसरा है x - 5 = 0 इसलिए x = 5। अब यहाँ बात आया 9 सही होगा या 5 सही होगा, ठीक। तो यहाँ चूंकि धनात्मक मान आया है तो दोनों सही होगा, ठीक। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर, पहले 9 रख लेते हैं इसमें, 11x - 30 में। ये देखिए यहाँ मेरा संख्या क्या आया है, यहाँ पर देखिए 11x - 30, यही तो मेन संख्या है। तो 11x - 30 में पहली बार x के जगह पे 9 बिठाएंगे, 11x - 30, ठीक है, = 11 × 9 - 30 = 99 - 30 = 69। तो एक तो हो गया 69 हो सकता है, ठीक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ठीक है। और अब दूसरा जो है और क्या हो सकता है, तथा दूसरा भी हो सकता है, तथा 11x - 30 इजकल टू 11। इस बार हम यहाँ पे पहला बार में हम पकड़े थे 9, दूसरा बार में 5 पकड़ेंगे, -30 बराबर 55 - 30 इजकल टू 25। 25 भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी दहाई का अंक 3 कम है, ठीक। तो एक आंसर आपका यहाँ पे ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। अतः लिख सकते हैं अभीष्ट संख्या बराबर, संख्या बराबर 69 कोमा दे देंगे 25 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।